मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। अपना दल एस से मध्य प्रदेश के लिए महापौर प्रत्याशी के रूप में कैलाश गवांडी जी खड़े हुए हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदौर लगातार जो है विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन महापौर के रूप में आप जब आप इस पद पर अपने आप को देखते हैं, तो किन बदलावों को और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इंदौर में आपको कहीं ना कहीं अभी कमी नजर आती है, और किन नई चीजों को अंजाम दिया जा सकता है इंदौर शहर के अंदर? इंदौर, ये तो सही बात है कि इंदौर दिन-ब-दिन अपग्रेड हो रहा है, मगर एक्चुअली ये वो वाली कंडीशन है जैसे हम कोई प्लेन में बैठे हैं, ऊपर से बिल्कुल जब बैठे नीचे एकदम धरती में हरी हरी दिखती है, पर जब हम वहां पे जाके देखते हैं तो हमें एक्चुअली कई सारी चीज अपडेट नहीं होती, कई गड्ढे दिखते हैं, कई बिल्कुल मतलब कुछ अपडेट प्रॉपर हो नहीं पाता। ऐसी चीज है कि एक दिखावा एक अलग होता है और एक्चुअल में हम जो ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो ग्राउंड लेवल अलग होता है। मैं शुरू से लेके जमीन स्तर से ही काम कर रहा हूँ, मैंने हमेशा आम से आम आदमी की सबसे लोअर क्लास की समस्याएं देखी है और कहीं ना कहीं मैंने वो समस्या दूर करने की कोशिश भी की है। आज जनता का साथ है, जनता का विश्वास है और इसलिए जनता का भला करने के लिए मैं महापौर का चुनाव करने जा रहा हूँ और इसलिए मुझे माननीय अनुपिया जी पटेल जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। बस मुझे इंदौर को बदलना है, मेरा एक ही ध्येय है। मुझे मतलब नहीं कि बाकी पार्टियों ने क्या किया है, बस मुझे एक ही है कि मुझे इंदौर में अभी तक जितना हुआ उससे कई गुना अधिक और काम करना है। किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि और अधिक काम करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए मोस्टली तीन चीजें हैं, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आज हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अब मगर एक्चुअली वो पढ़ा नहीं पाता। इसका रीजन पर्टिकुलर ये है कि कई सारे जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस है, इनकी फीस बहुत ज्यादा है, वो फीस उसके बजट के बाहर जाती है क्योंकि उसकी इनकम ऑलरेडी कम है। और वो गवर्नमेंट स्कूल में एक्चुअली जाता है तो गवर्नमेंट स्कूल के हमारे यहाँ के जो स्मार्ट स्कूल होने चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि हम सब लोग सर्विस टैक्स देते हैं, प्रॉपर सब लोग टैक्सेशन किसी ना किसी रूप में प्रशासन को देते हैं, और उनकी स्थिति बहुत ही एक्चुअली दुर्बल है। अभी जिस टाइप से अपडेट होने उस टाइप से अपडेट नहीं हुई, इसलिए हम प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। और प्राइवेट की तरफ जाने में भी जैसे जो एक होता है अंकुश लगाना, प्राइवेट स्कूलों की जो बढ़ती फीस इसके ऊपर जो अंकुश लगाना होता है, तो आज तक प्रशासन ने किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया, वो फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कम से कम फीस 20,000 रुपये से लेकर 5 लाख 7 लाख रुपये साल तक ऑलरेडी यहाँ पे इंदौर में तो है। दूसरी चीज है स्वास्थ्य। टोटल हमारे इंदौर में 85 वार्ड है, 85 वार्ड में मोस्टली देखे 10 से 12 वार्ड के अंदर हॉस्पिटल की जो गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है छोटे मोटे, जैसे संजीवनी क्लिनिक है, छोटा मोटा क्लिनिक क्या होगा, बाकी वार्ड में तो अते पते ऑलरेडी स्वास्थ्य के नाम पे है नहीं है। और कोविड के टाइम में हमने हाल देख ही लिया, कितने लोगों ने हमारी जान गंवाई है, कितने लोग ऑलरेडी मतलब वर्किंग करते करते चले गए, आज उनको पर्टिकुलर प्रेजेंट में कोई सपोर्ट दिया नहीं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी ऑलरेडी वैसे तो पूरी भारत की चरम सीमा पे है, हम बात करें हम जहाँ रह रहे हैं जिसकी बात करें इंदौर शहर की बात करें, यहाँ पे हम ऐसे कैसे ऑलरेडी बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आज प्रशासन के तौर पे प्रशासन ने आज तक ऐसे कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया जहाँ से लोगों को रोजगार मिले। ऐसी योजना तो बहुत है, योजना लोग तो काम लोगों तक तो पहुंच नहीं पा रही है। आज हमारे नगर निगम के कई सारे कर्मचारी हैं तो उनको जैसे वो जो इस पर्टिकुलर कोविड के टाइम पे शेयर मतलब थे एक्सपायर हो गए, ऐसे लोगों को आज तक गवर्नमेंट ने फंडिंग पैसे दिए नहीं, किसी के पैसे नहीं दिए, ये लोग सालों से काम कर रहे हैं, इनको अब आज तक परमानेंट नहीं किया है। मतलब समस्या तो ढेर सारी है, किसकी समस्या की बात करें, बट ये सारी समस्याएं हमें दूर करनी है। इंदौर में खासकर प्रॉपर्टी को लेके या छोटे व्यापारियों को लेके भी बहुत से प्रश्न उनके मन में रहते हैं, तो उनके प्रश्नों का निवारण के लिए आप तो क्या सोचते हैं कि महापौर के तौर पर आप किस तरीके के उनके प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास करेंगे? आज एक्चुअली क्या है, छोटे से छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है, सबके हालत तो बिजनेस सबके ठप है। कोविड के बाद तो ऑलरेडी जितना ऑपरेट होना चाहिए उतना नहीं होना है, बस सब लोग तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पैसा तो दे ही रहे। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम कंटिन्यू प्रॉपर्टी टैक्स उनको चाहिए, कचरे के टैक्स सारे इसके टैक्स ये लेने ले रहे हैं। हम एक्चुअली क्या करें, हमने ऐसा कुछ चाहिए कि 500 से 600 वर्ग फीट से जो छोटे फ्लैट या मकान है इनको हम टैक्स फ्री कर देंगे, जो प्रॉपर्टी टैक्स एकदम जीरो कर देंगे, और 300 वर्ग फीट से कम के जो शॉप है उनके लिए भी हम प्रॉपर्टी टैक्स जीरो कर देंगे।
नगर निगम के जो शॉप है जहाँ पे लोग किराया दे रहे हैं, उन्होंने भी लगभग पिछले 4-5 साल से वो किराया 5 गुना अधिक बढ़ाया है, तो किराया वापस से हम रिवर्स कर देंगे अगर सत्ता में आते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, इंदौर में क्या ही आपको महापौर रहते हुए या फिर प्रशासन का हिस्सा रहते हुए आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इंदौर में यूपी की तर्ज पे बुलडोजर की कहीं जरूरत लगती है? एक्चुअली क्या होता है, देखिए हम विश्वास रखते हैं स्मार्ट वर्क करने में। अब स्मार्ट वर्क करने में क्या होता है, आपने किसी का घर तोड़ दिया, किसी का मकान तोड़ दिया, किसी का दुकान तोड़ दिया, सोल्यूशन नहीं है इसके लिए। आपका पैसा खर्च हो रहा है इसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है इसके लिए, सारी चीज जा रहा है। अगर वही चीज हम पर्टिकुलर जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई इसने गवर्नमेंट की जगह पे कोई घर बना दिया, कल पता चला गवर्नमेंट भी आ गया तो अवैध है, उन्होंने हमारे जमीन को बना दिया, वो घर गवर्नमेंट कब्जे में लेना चाहिए, वो किराए से देना चाहिए। अब उसका जो भी रेंट 10-10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, अगर ऐसे कई सारी कंडीशन गवर्नमेंट अप्लाई करती है, नगर निगम अप्लाई करती है ऑल ओवर इंदौर में, तो गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए वहां से आएगा। आज जैसे कैसे उद्योग की मैं बात कर रहा हूँ, वहां भी हमने ऑलरेडी प्लान ऐसा बना लिया कि गवर्नमेंट के पास हर महीने में करोड़ों अरबों रुपए आ सकते हैं, ऐसे प्लान हमने कुछ बना लिए। इसीलिए हम जैसे लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स और कई सारे जो टैक्सेस चले जो नगर निगम स्तर पे, उसमें रियायत देने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन का लेवल हाई अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग तो कई सारे हैं, बस एक ही लक्ष्य है वो इंदौर को बदलना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैलाश गवांडे जी, अपनागढ़ से महापौर के प्रत्याशी इंदौर शहर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।